क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे साथ में हाय सिस्टर, मैं उनका परिचय, सबसे पहले उनका परिचय मैं बताने बोल रहा हूँ। थैंक यू फादर परिचय पूछने के लिए, और मैं यहाँ से अपना शुरुआत करती हूँ। मेरा पूरा नाम है सिस्टर एलितेरे सतिग्गा। मैं झारखंड जिले के गुमला डायसिस कटकाही पैरिस से आती हूँ, जिस क्षेत्र में येसु समाजी बेल्जियम से आए येसु समाजी फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने ख्रिस्त की ज्योति फैलाई थी, और आज वो ज्योति उस क्षेत्र में फैली हुई है और बहुत सारे ख्रिस्ते भाई बहन येसु पर विश्वास करते हैं। हमारे परिवार में हम लोग कुल 8 सदस्य थे माता पिता के साथ, उसमें 5 बहनें और एक भाई। हमारा परिवार एक ख्रिस्ते परिवार था, और ख्रिस्ते परिवार होने के साथ ही साथ हम अपने माता पिता तथा बड़ों गुरुजनों और एक धार्मिक माहौल और घर का माहौल बहुत ही शांत और भाईचारे के साथ बीता। इसलिए हम जहाँ देखते हैं कि हम लोगों का परिवार और जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बहुत ही अच्छा हुआ, और अपने माता पिता भाई बहनों बड़ों और रिश्तेदारों गांव परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी सीखने समझने का मौका मिला। सिस्टर, आपका स्कूल का एजुकेशन कहाँ हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे हम लोगों को थोड़ा बताइए। मेरा स्कूलिंग सर्वप्रथम तो जब मैं छोटी थी और मिशन स्कूल में जाने लायक नहीं थी, तो मेरा स्कूलिंग हुआ गांव के ही स्कूल में, जहां पर मैंने अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचरों के साथ उठने बैठने सीखने बोलने और बहुत सारे गानों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त किए हैं। और ये स्कूलिंग समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर था सीखने के लिए और एक दूसरे से घुलने मिलने के लिए। थैंक यू। आपका धर्म समाज में बुलाहट कैसे आप पाए, उसके बारे थोड़ा बताइए। हम आधा नहीं बोले, ये केवल स्कूलिंग उसको फिर बताइए, गांव वाला। अच्छा बताइए, पहले के सवाल अनुसार मुझे ओके। गांव स्कूल कंप्लीट करके मैं प्राइमरी स्कूल के लिए अपने ही पैरिश स्कूल सेंट एंस स्कूल में गई, जहाँ पर हमारी बहनें धर्म बहनें जो सेंट एंस सिस्टर्स लोग हैं उनके संरक्षण में रहकर वहाँ की प्राइमरी स्कूल पूरी की, और वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला सिस्टरों के द्वारा, टीचरों के द्वारा और अपने स्कूल फ्रेंड्स के द्वारा। और इसके बाद ये प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए गुमला उर्सुलाइन सिस्टर्स के यहाँ उर्सुलाइन समाज में उनके द्वारा खोले गए समाज प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए उर्सुलाइन कॉन्वेंट हाई स्कूल गुमला गई, और वहाँ पर मैं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई की। और यहाँ पर भी मुझे और कुछ जो पहले मैं सीखी थी प्राइमरी स्कूल में उनसे और कुछ बढ़कर अपने जीवन में खड़े होने के लिए और अपने जीवन का चुनाव करने के लिए भी एक सुअवसर प्राप्त हुआ। और साथ ही इसके बाद मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए या तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए मैं रांची सेंट पॉल्स कॉलेज में एडमिशन लिए। सिस्टर, आपका धर्म समाज में कैसे फॉर्मेशन हुआ, और आपके धर्म समाज के फाउंडर के बारे, इस सब के बारे थोड़ा बताइए। हमारी धर्म समाज का नाम है, हिंदी में बोले तो प्रेरितों की रानी धर्म समाज, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं क्वीन मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द क्वीन ऑफ द अपोसल्स, और उसका शॉर्ट फॉर्म है जो लैटिन में आता है SRA, जिसका मतलब है सोरोरूम रेजिने अपोस्टोलोरूम। हमारे फाउंडर जो येसु समाजी थे जर्मन पुरोहित थे फादर एंटोनियस मरिया बोडविक, जो बाद में
अपने जो यीशु समाजी में ऑलरेडी बुलाहट वो पा चुके थे, इसके उपरांत वो कॉल विद इन कॉल रिसीव करते हैं, तो उसको वो समाज को उससे छोड़ना पड़ता है और वो एक नया समाज जो इस सारे या तो प्रेरितों की रानी धर्म समाज है उस समाज का स्थापना किए। और हमारे धर्म समाज आज इस भारत देश में तथा भारत देश के साथ ही विभिन्न विदेशों में भी कार्यरत हैं हमारी धर्म बहनें। और भारत में बोले तो हमारे 6 प्रोविंस हैं, रांची, वाराणसी, लखनऊ, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और विदेश में इटली, स्लोवाकिया, फिलीपींस, जर्मनी और अफ्रीका में हमारी धर्म बहनें कार्यरत हैं। और हमारे धर्म समाज की उद्देश्य है ईश वचन की घोषणा एवं ईश्वर की करुणामय प्रेम का साक्ष्य देना। समाज स्थापना की प्रेरणा स्रोत हैं ईश्वरीय प्रेम का अगाध अनुभव एवं सब लोगों तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा, तत्कालीन परिस्थिति से उबरने के लिए मिशनरी धर्म बहनों की कमी, खासकर उन स्थानों में जहां प्रभु के सुसमाचार प्रचार का अभाव है। और हमारे धर्म समाज के मापदंड हैं ईश्वर पर अटूट विश्वास, सामुदायिक जीवन जीने की तमन्ना, प्रार्थना, त्याग, प्यार एवं तपस्या की भावना रखना, अच्छा स्वास्थ्य तथा उदार हृदय। शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक और इंटरमीडिएट में प्रथम या द्वितीय श्रेणी का होना। सिस्टर, आपका नोविशिएट कहाँ किए, चाहे आपका फॉर्मेशन के बारे कुछ बताइए। सर्वप्रथम हम लोगों का कैंडिडेट जो होता है वो हम रांची, जहाँ चान्हो जगह का नाम है चान्हो, वहाँ से किए हैं। और वहाँ पर रहकर इंग्लिश सीखने और धर्म समाज के बारे में थोड़ा बहुत तो सीखने का मौका मिला, सिस्टरों का जीवन देखकर सीखने का मौका मिला और प्रार्थना सीखने का भी मौका मिला। और उसके उपरांत हम लोग पोस्ट लेंस के लिए जाते हैं, मेरा पोस्ट लेंस हुआ वाराणसी में। और वहाँ पर जाकर मैं अपने धर्म समाज के बारे में और कुछ ज़्यादा जानी और उस पर मैं उस पोस्ट लेंस में रहते वक्त ही ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखने के लिए सीखी और ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा और ईश्वर की प्रेम की खोज में निरंतर आगे बढ़ती गई। और उसके उपरांत मैं अपनी नोविशिएट की पढ़ाई वाराणसी से ही की, से यहाँ कैथेड्रल के पास जो हमारा नोविशिएट है उसे सेंट मेरीज, तो वहाँ से रहकर हमने अपनी नोविशिएट पूरी की। और वहाँ पर नोविशिएट में रहकर मुझे अपने जीवन के बारे में और ईश्वर पर फिर से पुनः अटूट विश्वास और उसकी आस्था पर विश्वास करने के लिए एक अच्छा मौका मिला। प्रार्थनामय जीवन और जो ईश्वर ने मुझे चुना है उस पर भी फिर से सोच विचार करने के लिए मौका मिला। और ये जो कुछ भी मेरा बुलाहट था मैं इसको भले ही माता पिता, भाई बहन और जितने भी संगी साथी थे, गुरुजन थे, सभी को देखते हुए मैं सीखी और ये उससे बढ़कर मैं विश्वास करती हूँ कि ये बाय चांस नहीं होता है बल्कि ये ईश्वर की योजना से होता है। और यीशु स्वयं कहते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15:16 में कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और जिससे तुम बहुत फल उत्पन्न करो और यह फल बना रहे। तो मैं अपने बुलाहट के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपने साथ और अपने बेटे यीशु के कार्य में मुझे भी इस योग्य समझा कि मैं भी उसके पुत्र यीशु के सुसमाचार का प्रचार, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ या जिस क्षेत्र में भी काम करूँ उसके माध्यम से मैं यीशु के प्यार और उसके शिक्षा को बांट सकूं। तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूं परमेश्वर को और जितने भी लोग मेरे जीवन में आए शुरू से अभी तक उन सभी को भी मैं सबका नमन करती हूं। सिस्टर तेरेसा,
अभी का युवा वर्ग के लिए कुछ आपके ओर से कुछ सलाह चाहे कुछ कहना चाहते हैं युवा वर्ग के लिए, विशेषकर लड़की लोगों के लिए आप कह सकते हैं? यह अच्छा टॉपिक है। आजकल हम जहाँ देखते हैं युवा वर्ग को संसारिकता में या तो संसार का पूरा माहौल ही है ऐसे कि हम आधुनिकता की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है सभी क्षेत्रों में, और ये हम सभी कॉम्पिटेटिव माइंड रखते हुए हम ये मतलब लगातार ही निरंतर तत्परता से सब कुछ काम देखते हुए हम देखना चाहते हैं, प्लस उसके अनुसार हम अपने आप को अपडेट करते जाते हैं और हम दुनिया जिस दौड़ से दौड़ रही है उसी दौड़ में हम भी शामिल हो जाते हैं, और आज के युवा वर्ग भी वही स्थिति से गुजर रहे हैं। और इस दौड़ धूप के माहौल में या तो आधुनिकता के माहौल में जब हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो एक मैं बोलूँगी कि यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आज्ञा, ये तो मुश्किल है लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं कि हम ये काम असंभव हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज भी वो बुलाहट जो हमें पुरखों से वर्षों से मिलते आ रहा है, हम देखते हैं पुराने ग्रंथ में अब्राहम, मूसा और विभिन्न नबियों के द्वारा जो बुलाहट ईश्वर से मिला था वो आज भी लगातार मिल रहा है और ऐसे ही मिलते रहेंगे। और आज की युवा पीढ़ी को मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी या वे जहाँ जहाँ कहीं भी रहते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वे अपने माध्यम से ईश्वर का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी ख्रिस्तीय जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं वो सभी एक चुने हुए प्रजा हैं, बुलाए गए हैं। तो अपने माध्यम से हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, हम ईश्वर का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम फिर से बोलते हैं कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए या तो ईश्वर के वचन को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे इस धर्म समाज में या तो अन्य धर्म समाज में भी आप सभी युवाओं की आवश्यकता है। विशेषकर मैं अभी इस समाज में हूँ तो मैं अपने समाज के लिए भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी आगे आइए जो भी इच्छुक हैं, और धर्म समाज में एक बहन के रूप में आप लोग भी आ सकते हैं और ईश्वरीय सेवा को दे सकते हैं लोगों तक, गरीब दुखियों तक, और जो हमसे आशा करते हैं सेवा की या तो जिससे हमारी ज़रूरत है उन तक पहुंचने में हम लोग एक माध्यम बन सकते हैं। तो सभी युवाओं से, विशेषकर लड़कियों से अनुरोध है कि अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं समाज में तो आकर अपना सहयोग दें और समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। अगर परिचय या कुछ जानकारी हो तो संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सिस्टर तेरेसा जो प्रेरितों का रानी समाज के हैं, उनके जरिए से आज एक समाज में कैसे वे बुलाहट पाए थे और कैसे काम कर रहे हैं, और हमारे युवा वर्गों के लिए अर्थात विशेषकर लड़की लोगों के लिए वे कुछ बताए हैं, तो आप लोग आज इस वीडियो को देख सक रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों को, सिस्टर को और आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।